के बाद मुंबई में रह रही आनंदा गर्ल मिसेस इंडिया के खिताब से सिर्फ एक कदम दूर है। पेजेंट 2017 कॉन्टेस्ट की दो वेस्ट कैटेगरी मिसेस इंडिया स्टैंडर्ड स्टार और मिसेस इंडिया रिमार्केबल 2017 अवार्ड को जीत चुकी आनंदा से बात की हमारी रिपोर्टर आकांक्षा अग्रवाल ने। हमारे साथ मुंबई के स्टूडियो में आज मौजूद है मिसेस आनंदा गर्ग, तो आइए हम उनसे उनकी कुछ जर्नी के बारे में पूछते हैं। हेलो नमस्कार सभी आगरावासियों को, मेरा नाम मिसेस आनंदना गर्ग है और मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप आगरा की ही हूँ। मैंने स्कूलिंग सेंट एंथनीज जूनियर कॉलेज से की है और उसके बाद मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी फॉर माई फर्दर स्टडीज। मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग किया है SNDT से बॉम्बे से, एंड देन आई वॉज मैरिड एंड आई एम अ मदर ऑफ टू चिल्ड्रन। एंड अभी मैंने रिसेंटली में एक मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था इन द वेस्ट जोन। देर आई हैव वन टू टाइटल्स, एक है मिसेस इंडिया रिमार्केबल 2017 एंड वन इज मिसेस इंडिया स्प्लेंडेड स्टार 2017। और अभी रिसेंटली मैं मिसेस इंडिया फाइनलिस्ट के लिए भी घोषित की गई हूँ, तो जो भी एक महीने के बाद ही पैजेंट है। और मैम आप अपने फैमिली के बारे में बताइए, फैमिली बैकग्राउंड और उनका सपोर्ट आपको कितना मिला है कॉम्पिटिशन के लिए? जी मेरे को लगता है कुछ भी करने के लिए बिना फैमिली की स्ट्रेंथ और सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरे जो इमीडिएट, सबसे पहले मैं बोलूंगी जो मेरी सपोर्ट जो सपोर्ट सिस्टम रहा है, दैट इज माई हस्बैंड। ही हैज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट माई जर्नी। उन्होंने एक सिर्फ मेंटली ही नहीं, इमोशनली हर तरीके से मुझे एक सपोर्ट दिया है। एंड मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है, उनका इंकरेजमेंट बहुत था। मेरे इन लॉज का बहुत ज़्यादा साथ रहा है। कई बार हमने देखा है जैसे गर्ल्स के लिए शादी के बाद बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, जहाँ वो निकल के वो कर नहीं पाती जो वो करना चाहती हैं। यहाँ पे मैं कहूँगी कि मेरे पेरेंट्स और मेरे इन लॉज का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इस जर्नी में, क्योंकि उनका बहुत सपोर्ट मिला है मुझे। मैम जैसे कि आपने स्टार्टिंग से मिस इंडिया बनने का सोचा था या कुछ सडनली ऐसा चेंज, आपने कुछ और ड्रीम्स था आपका और ये? मैं कहना चाहूँगी कि कुछ कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसे होती हैं जो आप सोचते नहीं हैं कि आपको वो करना है, वो आपको उस मुकाम पर पहुँचा देती हैं। आई फील लाइफ इज़ अ जर्नी, आप जैसे जैसे चलते जाएंगे बस आपको बड़ा सोचना है। मुझे लगता है कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम कुछ छोटा करें या बड़ा करें, हमको बस बड़ा सोचना है अगर हम कुछ करना चाहते हैं, और रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं और आप एक अच्छे मुकाम पर पहुँच जाते हैं। अगर आपको आगे चांस मिलता है इस लाइन में और आगे बढ़ने का, फिल्म लाइन में जाने का, तो आप एक्सेप्ट करोगे? पता नहीं, आई थिंक वो वक्त डिसाइड करेगा, बट मुझे लगता है कि फिलहाल मेरा कंसर्न अभी जो मेरा नेशनल पैजेंट अभी आने वाला है जिसके मैं फाइनलिस्ट हूँ, मेरा उस पर फोकस है, मेरी उसके लिए तैयारी चल रही है। तो फैमिली भी आप फैमिली को भी देख रहे हो, अपने करियर को भी देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पर आगे आपको क्या लगता है, अपनी डॉटर्स को और सन को आप इसी लाइन में आगे करोगे या उनकी भी चॉइस होगी? आई थिंक अभी बहुत छोटे हैं ये डिसाइड करने के लिए, मेरे दो बेटे हैं और ये बहुत अनफेयर होगा उनके लिए मेरा डिसीजन लेना कि वो क्या करना चाहते हैं। लाइफ इज टू देम, व्हाट एवर दे वांट टू दे कैन डू इन फ्यूचर। मैम जैसे आज के टाइम में लड़कियों को ज्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता आफ्टर मैरिज, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? कोई एक मैसेज ऐसा जैसे और गर्ल्स को, उनके इन लॉज अगर ये प्रोग्राम देखें, उनके हस्बैंड देखें, तो उनको सपोर्ट करें जैसे कि शादी के बाद ऐसा नहीं? बिल्कुल, मुझे लगता है ये उन फैमिलीज के लिए है, उन इन लॉज के लिए है, उन हस्बैंड्स के लिए है जो सोचते कि चलो अब तो बच्चे हैं या अब फैमिली है, अब क्या घर संभालना है। पर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर हम उसको मेंटली प्लान करें तो हम 24 घंटे में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बहुत मेहनत कर सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं उसमें। और अगर फैमिली का सपोर्ट है, थोड़ा प्यार हो, थोड़ा अपनापन मिले, इंस्पिरेशन मिले, थोड़ा सपोर्ट मिले, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आगरा के लिए क्या क्या किया है? मैंने अभी हाल ही में आगरा के लिए एक महिलाओं का एक सेशन रखा था, जहाँ पे एक लेडी डॉक्टर यहाँ पे आई थी, उपस्थित हुई थी, डॉक्टर सुमन गुप्ता। उन्होंने अपने वैल्यूबल टाइम निकालकर और महिलाओं को ये बताया है कि अपने लिए भी वक्त निकालना कितना जरूरी है और अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना कितना जरूरी है। जैसे डायबिटीज है, ब्रेस्ट कैंसर है, ऐसे बहुत सारी एलिमेंट्स हैं या बीमारियां हैं जिनके लिए औरतों को अपने ऊपर ध्यान देना जरूरी है, उसके बारे में उन्होंने थोड़ा ज्ञान दिया है। और कल एक और सेशन हमने किया था जिसमें कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे आज भी लड़कियों को लड़कों से कम समझा जाता है, उनकी शिक्षा रोकी जाती है। तो एक ऐसी ही जगह है जहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ना चाहते हैं और पर पैसों के कारण और घर की समस्याओं के कारण वो आगे बढ़ नहीं पा रहे पढ़ाई के लिए। तो हमने वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर हमने कोशिश करी है कि उनको एडमिशन मिले स्कूल्स में, उन बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं, और उनको सहायता मिले।
बुक्स मिले, स्कूल का एडमिशन, यूनिफॉर्म है, वो सारी चीज उनको मिले। आगरा में सिकंदरा के पास हमें ऐसी महिलाओं से प्रेरणा मिलती है ये सीखने की कि महिलाओं को शादी के बाद भी बहुत से मौके मिलते हैं कुछ करने के, अगर उनके हस्बैंड को उनके फैमिली का सपोर्ट मिले। थैंक यू आकांक्षा अग्रवाल न्यूज के लिए। पीस पार्टी के